सब्सक्राइब करें गिनी टेक चैनल को और साथ में अपने बेल के बटन पर जरूर प्रेस करें ताकि आप वीडियो देख पाए हमारी सबसे। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना गिनी टेक। और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग रेडमी 5A की। जी हाँ दोस्तों, रेडमी 5A का बॉक्स हमारे पास आ चुका है। करते हैं इसको जल्दी से अनबॉक्स मेरी एक छोटी सी इंट्रो के साथ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा Redmi 5A का बॉक्स फ्लिपकार्ट से हमने मंगाया है और आप देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट वालों ने कुछ इस तरह का पैक करके हमें ये फ़ोन भेजा है। पीछे की तरफ की बात करें तो यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिल जाता है 4,999 रुपये, मतलब कि ये हमने 5,000 का फ़ोन मंगाया है। तो चलिए आप जल्दी से कर लेते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स और अंदर से निकालते हैं Redmi 5A का बॉक्स। तो फाइनली आप देख सकते हो ये निकाल लिया हमने Redmi 5A का बॉक्स। फुल रेड कलर में आपको ये देखने को मिलता है। राइट साइड ऊपर आपको MI का ब्रांड देखने को मिल जाता है और साइड में बात करें तो Redmi 5A का लोगो देखने को मिल जाता है। और पीछे की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरी फ़ोन की डिटेल देखने को मिल जाती है। और ग्रे कलर में हमने ये मंगाया है और 2 GB और 16 GB आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको मेड इन इंडिया का लोगो भी देखने को मिल जाता है। बात करें फ्रंट साइड की तो यहाँ पर आपको देखिए राइट साइड में MI का लोगो दिख जाता है और नीचे आपको Redmi 5A देखने को मिल जाता है। और अब जल्दी से इसे भी कर लेते हैं हम अनबॉक्स। तो बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैं आपको इस फ़ोन की पूरी स्पेसिफिकेशन भी बता देता हूँ। ये हमने 2 GB रैम वाला मंगाया है, साथ में आपको इस फ़ोन में 16 GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है। बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 5 इंच की IPS LCD HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 13 MP का रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट में 5 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 425 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और साथ में आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और आप इस फ़ोन से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। तो फाइनली ये हमारा Redmi 5A की फर्स्ट लुक ग्रे कलर में आप देख सकते हो Redmi 5A। नीचे तरफ की बात करें तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट और माइक की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। बैक की तरफ पीछे की तरफ आपको नीचे की साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है और ऊपर 13 MP का कैमरा विद फ्लैश और ऊपर फ्रंट में आपको IR ब्लास्टर और नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाता है। तो अभी इसको रख देते हैं नीचे और बात कर लेते हैं इसके एक्सेसरी की। तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा एक्सेसरीज देखने को नहीं मिलती है। सबसे पहले आपको मिलेगी यूज़र गाइड जो कि हमारे ज़्यादा काम की नहीं होती है। उसके नीचे आपको देखने को मिलेगी डाटा केबल जो कि टाइप सी केबल नहीं है। 5000 के हिसाब से हमें ये डाटा केबल देखने को मिल जाती है जो कि मुझे लगता है ज़्यादा बुरी नहीं है। नॉर्मल आपको डाटा केबल देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ बात कर लेते हैं इसके अडेप्टर की, चार्जर की। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ 5000 के फोन है, 5000 का फ़ोन है तो यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को नहीं मिलती है जो कि मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है क्योंकि 5000 के फ़ोन में हमें इतना कुछ पहले से ही देखने को मिल रहा है। इसको भी रख देते हैं नीचे और अब उठाते हैं हम अपना फ़ोन। फ़ोन की जो ग्रिपिंग है काफ़ी शानदार है, आप इसे एक हाथ से आराम से चला सकते हो। 100 फ़ोन है, फ़ोन की लुक काफ़ी शानदार देखने को मिल जाती है। ये मेटल बॉडी में नहीं है, आपको मैं बता दूं ये आपको प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिलता है। पर आपको जब आप इस फ़ोन को पकड़ोगे तो आपको फुल मेटल बॉडी की फीलिंग ये फ़ोन देगा। अभी फाइनली इसे कर लेते हैं ऑन और जल्दी से कर लेते हैं सेटअप। ये हो रहा है सेटअप। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि इस फ़ोन में आपको MIUI 9.1 देखने को मिल जाता है। तो चलिए आपको मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ। सेटिंग में चलते हैं और अब चलते हैं अबाउट फ़ोन में। इसे करते हैं ऊपर अबाउट फोन ये आ गया हमारा अबाउट फ़ोन। इस पर करिए किया क्लिक, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नोगट 7.1.2 देखने को मिल जाता है और MIUI
आपको 9.1 देखने को मिल जाता है स्टेबल, और आपको 2GB रैम, और यहाँ बात करें मेमोरी की तो यहाँ पर आपको 8.75 देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। इसको निकाल देते हैं ऊपर से रैपर को, और आप देखें इस फ़ोन की लुक काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। जिस हिसाब से फ़ोन का प्राइस है उस हिसाब से इस फ़ोन में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इस फ़ोन की लुक काफ़ी शानदार निकल कर सामने आती है। फाइनली अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस फ़ोन का इंटरफेस भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छे कलर से हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। ब्लूज एंगल भी इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बात करें ब्राइटनेस की तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ कि इस फ़ोन की कैमरे की क्लैरिटी किस तरह की है। एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो ये हमने एक फ़ोटो क्लिक कर ली है। प्रॉपर कलर आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। क्लैरिटी भी मुझे ठीक ठाक अच्छी लग रही है इस फ़ोन की, ज़्यादा बुरी क्लैरिटी भी नहीं है। 5000 के हिसाब से 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फ़ोन बहुत बेस्ट है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी, ये फुल HD भी रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको फुल HD की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये थी इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं ये बोलना चाहता हूँ जिन लोगों का लो बजट है उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट फ़ोन है। 5000 की रेंज में इससे बेस्ट फ़ोन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप ऐसी मोबाइल की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, मोबाइल के रिव्यू देखना चाहते हैं, और मोबाइल के ट्रिक्स की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना ख्याल रखें।